मशहूर फिल्म निर्माता महेश मांजरेकर की मराठी फिल्म नए वरड़ भट्ट लोनचा कोन कोंचा विवादों में बनी हुई है। इस फिल्म को लेकर अब महेश मांजरेकर के खिलाफ गुरुवार को मुंबई की एक अदालत में शिकायत दर्ज करवाई गई है। महेश मांजरेकर पर आरोप है कि उन्होंने अपनी नई मराठी फिल्म में महिलाओं और बच्चों को आपत्तिजनक तरीके से चित्रित किया है। निर्माता के खिलाफ ये शिकायत क्षत्रिय मराठा सेवा ने की है। मराठा सिनेमा ने बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने महेश मांजरेकर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इस दौरान डायरेक्टर के खिलाफ आईपीसी की धारा 292 सामगिरी की बिक्री आदि और 295 सार्वजनिक रूप से अश्लील काम या शब्दों के लिए सजा के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। इस मामले में महेश मांजरेकर के अलावा नरेंद्र श्रेयंस हीरावत और एनएच स्टूडियोज को भी आरोपी बनाया है, जो फिल्म ने वरण भट्ट लोनचा कोन कोंचा के निर्माता हैं। इस शिकायत में कहा है कि नए वरण भट्ट लोनचा कोन कोंचा मराठी फिल्म को 14 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। इस फिल्म में महिलाओं और बच्चों को बहुत ज्यादा आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया है। महेश मांजरेकर के खिलाफ शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि इस फिल्म में मौजूद मटेरियल ने समाज में असामंजस्य पैदा किया था, जिसके परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस फिल्म का जब ट्रेलर सामने आया तब भी राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से फिल्म में मौजूद बोल्ड व आपत्तिजनक सीन्स को सेंसर करने की मांग की गई थी। ट्रेलर में ही कश्मीरा शाह ने अपना साइड ब्रेस दिखाया था और भी कई ऐसे सीन्स थे जो काफी ज्यादा बोल्ड थे, जिसके चलते महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माइनर्स के लिए इस तरह की चीजें दिखाना बेहद निंदनीय है। महेश मांजरेकर ने मराठी फिल्मों के अलावा कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। इसमें वांटेड, रेडी, दबंग, जिंदा, मुसाफिर और कांटे में नजर आ चुके हैं। महेश मांजरेकर एक्टर के साथ डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने आई, वास्तव, निदान और वास्तव जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इनमें ऐसे सीन फिल्मों में दिखाने चाहिए थे या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।